أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى في مقام آخر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ये दूसरा दर्स जो है वो तफ़सीरुल कुरान का है और कुरान करीम हमारा ज़ाबताए हयात भी है, हमारे लिए अजर व सवाब कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया भी है, हमारे लिए बायस बरकत भी है और हमारे लिए दुनिया व आखरत दोनों जहानों की निजात और सुरखरुई का सबब भी है। सिर्फ़ एक हर्फ पढ़ने से अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है, जैसा कि सुनन तिर्मिज़ी में हदीस मारूफ है, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने किताबुल्लाह का सिर्फ एक हर्फ पढ़ा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला अकूलो अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम सिर्फ एक हर्फ है, बल अलिफ़ुन हर्फ व लाम उन हर्फ व मीम उन हर्फ। अलिफ हर्फ है, लाम हर्फ है और मीम हर्फ, तीन हर्फ हो गए। सिर्फ एक आदमी कहे अलिफ लाम मीम तो कितनी नेकियां हो गई? 30 नेकियां। अल्लाह ताला फरमाता है हमारे लिए नेकियां जमा करने का बेहतरीन ज़रिया है कुरान करीम, दुनिया और आखरत संवारने का, अल्लाह के सामने दुनिया और आखरत में सुरखरू होने का और दुनिया और आखरत में तरक्कियां करने का। दुनिया में तरक्की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सही मुस्लिम में मौजूद है, इन अल्लाह यरफ़ाउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदऊ बिही आख़रीन, अल्लाह इस किताब के ज़रिए कौमों को तरक्की देता है, यरफ़ाउ उठाता है, व यदऊ बिही आख़रीन, और इसी किताब की बदौलत, इसी किताब को पसे पुश्त डालने के नतीजा में, इसी किताब को छोड़ने अमल न करने के नतीजा में, यदऊ बिही आख़रीन दूसरों को पस्ती में तनज़ल में इदबार में मुब्तला कर देता है। तो गोया दुनिया में तरक्की कुरान करीम से और आखरत में भी तरक्की कुरान करीम से। आदमी सोचता है कि आखरत में जाके फिर तरक्की का क्या मतलब हुआ, जन्नत वाले जन्नत में गए, जहन्नम वाले जहन्नम में गए, वहाँ तो तरक्की की कोई शायद नज़र नहीं आती, हालांकि है। तरक्की के लिए दो मिसालें हमें नबी सल्लम की हदीस में मिलती हैं, एक ये कि जन्नत में आदमी महसूस करेगा कि मेरा रोज़ाना थोड़ा सा मर्तबा बढ़ता जा रहा है, हर रोज़ दूसरे दिन मैं थोड़ा सा पहले से बड़े मर्तबा पे चला जाता हूँ। अल्लाह से सवाल करेगा कि या अल्लाह मैं तो यहाँ हूँ, अभी कुछ कर भी नहीं रहा, क्योंकि आखिरत तो दारुल जज़ा है ना, दारुल अमल नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा तो मुझे ये जो तरक्की मिल रही है इसकी क्या वजह? तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आएगा कि तेरी औलाद, तेरा बेटा, तेरी बेटी तेरे लिए दुआएं मांग रही है और उन दुआओं के नतीजा में तुझे यहाँ मंजिलत में, कदर में इजाफा किया जा रहा है। नेक औलाद को छोड़कर जाने का देखें फ़ायदा आखिरत में भी कितना मिलेगा, दुनिया में भी वो दुआएँ मांगेगा, आखिरत में भी उसकी दुआओं के नतीजा में अल्लाह तरक्कियाँ बुलंदियाँ देता रहेगा।
एक अपनी औलाद के दुआओं के नतीजे में तरक्की मिलेगी और दूसरी तरक्की कुरान करीम के ज़रिए मिलेगी। हाफ़िज़ कुरान जो कुरान करीम को दुनिया में हिफ्ज़ कर चुका है, खुश नसीब इंसान है, वो इंतहाई सआदतमंद खुशबख्त। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफ़िज़ कुरान से कारी कुरान से कहेगा इक़रा कमा इक़रा वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया। ए कारी, ए हाफिज, कुरान को पढ़ जिस तरह के तू दुनिया में पढ़ा करता था। इक़रा व तुरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया, दुनिया में जैसे कुरान पढ़ा करते थे, रोज़ पढ़ते थे, ज़बानी किया हुआ था, फिर पढ़ते रहते थे, उठते बैठते आते जाते, उसी तरह अब भी पढ़। फ़ैन्ना आखिर मंजिल तक आखिर आयतिन तकराउहा, एक आयत पढ़ता जा, ऊपर चढ़ता जा, जहाँ आखिरी आयत ख़त्म होगी वहाँ तक ऊपर चढ़ता ही चला जा। तरक्की मिली ना आखिरत में, कुरान करीम से आखिरत में भी तरक्की और दुनिया में भी। इन अल्लाह यरफ़ा बिहाज़ल किताब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दुनिया में भी इज़्ज़त अजमत तरक्कियाँ हैं तो कुरान के। हमारे यहाँ ले रहे लोग ये फरसूदा पुरानी किताब है, फरसूदा निज़ाम है, इस्लाम जो है वो मौजूदा दौर का साथ नहीं दे पा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी तरक्की इसी किताब से मिलेगी। अगर तरक्की है तो इस किताब पर अमल करने में के नतीजा में, और अमल नहीं करेंगे तो आज जो हम अमल छोड़ के बैठे हुए हैं, अपनी हालत हमें नज़र आती है या नहीं? हज़ारों मीलों दूर से आके अमेरिका मुसलमानों को मारता रहता है, मारता जा रहा है, आज इराक को, कल अफगानिस्तान को, परसों लीबिया को, तरसों फला, हमारे अपने करतूतों के नतीजे से ही, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? अगर इन्हीं मुल्कों में इन्हीं के अवाम सही कुरान करीम पे अमल करने वाले होते, अमेरिका कौन होता है आके हम पे बमबारियाँ करें? अवाम गलत हो गए, कुरान करीम को छोड़ दिया, लीबिया को मारा क्यों, इराक को मारा क्यों, फलां को मारा क्यों? क्या समझते हैं कि ये सारे लोग कुरान पे अमल करने वाले थे इसलिए मारा? नहीं, कुरान को छोड़ा, दीन इस्लाम को छोड़ा, जितने जितने दूर होते गए अल्लाह का अजाब आता गया, ये इनके लिए इनके आमाल की शामत का नतीजा। कुरान करीम के साथ कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा ताल्लुक रखा हुआ है दुनिया में, हाफ़िज़े कुरान जितने भी हैं, और बाज़ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ कुरान को पढ़ने का एक जैसे ख़ानदानी रिवाज हो जाता है कि ख़ानदान है पूरा, ये स्कूल मास्टरों का ख़ानदान है। आप ये देखेंगे अपने इलाकों में, एक फैमिली पूरी सारे स्कूल मास्टर, दूसरी फैमिली पूरी देखेंगे सारे फौजी, तीसरी फैमिली पूरी पुलिस मैनों की, कुछ फौज में, कुछ पुलिस में, कुछ स्कूल में, और कुछ हैं वो मौलवियों का ख़ानदान, उसमें सारे कोई मौलवी, कोई हाफ़िज़, कोई मौलवी, कोई हाफ़िज़, कोई किस तरह का। और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज़ से पहुँचाया है कि उस इलाके में हर फर्द हाफ़िज़ कुरान। काहिरा से 25 किलोमीटर दूर कोई एक कस्बा है, और काफ़ी बड़ा कस्बा है, उस कस्बे में, ये मिस्र में, उस कस्बे में कोई बालिग लड़का और कोई बालिग लड़की ऐसी नहीं जो हाफ़िज़ कुरान ना हो। यानी छोटा बच्चा है उसका तो कह नहीं सकते कि हाफ़िज़ हुआ या नहीं हुआ, बड़ी होकर लड़की हो या बड़ा होकर लड़का हो, वो हाफ़िज़ कुरान ले। हज़ार हा लोगों का वो इलाका है और सारे के सारे हाफ़िज़ कुरान, और उनके बारे में एक मरतबा एक रिपोर्ट में आया कि उसका नाम ही कुरानिक विलेज, कुरानिक विलेज के तौर पर मरूफ है कि ये करियतुल कुरान है, ये कुरानी गांव है, यानी सारे गांव के लोग इसको कुरान को पढ़ते। कुरान की अजमतें बेशुमार, कुरान का मकाम मर्तबा बहुत ही बुलंद, और इससे बढ़कर ये क्या होगा कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, इससे आगे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अल्लाह का कलाम है, मुकद्दस है, बरकतों वाला है, पढ़ें अजर व सवाब, पढ़ें बरकतें। और अगर अब ज़िक्र शुरू करें कि सूरह फातिहा की फजीलत क्या है, मुआवज़ातैन की क्या है, आयतुल कुर्सी की क्या है, तो आपको मालूम है कि ये मामला जो है
वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज का हमारा जो दर्स है असल में वो दर्स है तअव्वुज़ और तस्मिया के बारे में, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, इन दो के बारे में। और चूंकि कुरान करीम के शुरू में ये दोनों ही आएंगी, कुरान करीम पढ़ने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है सूरह नहल आयत नंबर 98, फ़ाइज़ा क़रातल क़ुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब कुरान पढ़ो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। बाज़ उलमा ने कहा कि कुरान के शुरू में और कुरान के आखिर में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा कि कुरान मुकम्मल करने के बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, और अक्सर जमहूर अहले इल्म का कहना यह है कि कुरान शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए। फ़ाइज़ा क़रातल क़ुरान जो है ये माजी का सीगा है कि जब कुरान पढ़ लो या कुरान पढ़ चुको तो अल्लाह से पनाह मांगो शैतान मरदूद की, अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। अब वो इसमें थोड़ी सी गलतफहमी ये आगे के माजी का सीगा है, जबकि मुराद असल में ये है कि जब तुम कुरान पढ़ने का इरादा करो। और इसकी दलील वो आयत मौजूद है हमारे पास जो कि सूरतुल माईदा की आयत 6 है। सूरतुल माईदा की आयत 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है या अय्युहल लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, जब नमाज के लिए तुम खड़े हो जाओ, इज़ा कुम तुम यहाँ भी माजी का सीगा, जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो वुजू करो। अब नमाज के लिए खड़े होकर वुजू करेंगे या पहले करेंगे, वही सीगा यहाँ है और वही आउज़ु बिल्लाह के सिलसिला में है कि उससे भी मुराद ये है इज़ा अरत तुम, जब इरादा करो नमाज पढ़ने का तो वुजू कर लो, उसी तरह जब इरादा करो कुरान पढ़ने का तो आउज़ु बिल्लाह पहले पढ़ लो। कुरान करीम को पढ़ने से पहले, तिलावत करने से पहले ये सूरह नहल आयत 98 बता रही है। और आम तौर पर भी आउज़ु बिल्लाह जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तू हमारे साथ मजाक कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो वाक़या है ना इसका गाय ज़िबा करने का, तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि तू हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहा था, आऊज़ु बिल्लाह अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हूँ, यानी बिला वजह का ठट्ठा मजाक करना जो है वो भी जाहिलाना हरकत है। और वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज जो है अल्लाह ने नकल फरमाए कि उन्होंने कहा आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह कहाँ पढ़ना है, अगर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाए तो उस वक़्त भी आऊज़ु बिल्लाह है, अगर आप कुरान करीम की तिलावत शुरू करते हैं उस वक़्त भी आऊज़ु बिल्लाह है। और सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 97 वहाँ वक़ुर रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बे अय्यहज़ुरून, दरसों के शुरू में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें भी है ना, उसमें भी अल्लाह से पनाह मांगता है आदमी कि या अल्लाह शैतान के शर से मुझे महफूज रखना, मैं दर्स देने लगा हूँ मुझे महफूज रखना, ये लोग सुनने आए हैं इनको महफूज रखना, ए अल्लाह ये हमारे दर्स में आने ही ना पाए, दुआ में है ना ये अल्फाज, हमने शायद कभी गौर नहीं किया। यहाँ ये अल्फाज हैं व आऊज़ु बिका रब्बे अय्यहज़ुरून, ए अल्लाह मैं इस बात की भी तुझसे पनाह मांगता हूँ कि ये हमारी मजलिस में आए, शैतान हमारी मजलिस में आए, ए अल्लाह हमें इससे भी महफूज, वो मजलिस में आएगा तो क्या करेगा, पहला काम ये करेगा कि वो ये भुला देगा हमें कि मोबाइल बंद करना है या नहीं, क्या ख्याल है, वो कोशिश करेगा कि ये भुला दो कि भाई मोबाइल को बंद ना करो क्योंकि कोई ज़रूरी कॉल आ जाती है कोई बड़ी अर्जेंट, और मोबाइल में लगाया हुआ है गाना म्यूज़िक ट्यून पर, इस सारी शैतान की तरफ से तरगीबात होंगी। दूसरा ये कि बैठे बैठे आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कहीं शरारतें करेगा ना, वो अपना काम करेगा, दुआ करने वाला करता है कि या अल्लाह ये हमारे माबैन आने ही ना पाए, व आऊज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरून, ऐ अल्लाह मैं इससे भी पनाह मांगता हूँ कि ये शैतान हमारे दरमियान हाजिर भी हों, यहाँ भी दर्स के शुरू में और कुरान करीम के शुरू में, और सूरतुल आराफ
آیت نمبر 200 میں اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اس وقت بھی اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے پناہ طلب کرو کہ وہ شیطان کے شر سے، وسوسے سے محفوظ فرمائے. اور اگر سوئے میں خواب آئے، برا خواب آئے تو کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان و اعوذ باللہ من شر الشیطان و من شر ہا، یعنی اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر. یعنی اعوذ باللہ صرف قرآن کریم پڑھتے وقت ہی نہیں، قرآن کریم پڑھتے وقت بھی اعوذ باللہ، اور یہ مقامات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب مقامات پر بھی اعوذ باللہ ہی پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح تعوذ کے مقامات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، خاص طور پر جو قرآن کریم کی آخری دو سورتیں ہیں ان کی تفسیر تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں نہیں ہوگی، لیکن یہاں الحمدللہ ان کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جا چکی ہے آپ کے علم میں ہے. ان دونوں سورتوں کو بطور خاص جو اتنے فضائل حاصل ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں ان دونوں سورتوں میں بھی اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اللہ کی توحید کی تینوں قسمیں، قل اعوذ برب الفلق توحید ربوبیت، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس مالک الناس توحید الاسماء والصفات، مالک ہے نا قیامت کے دن کا، الہ الناس توحید ربوبیت. یعنی تھوڑے سے کلمات کے اندر تینوں قسم کی توحید کا اقرار کر کے بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ کر لے. اور ان دونوں سورتوں کی عظمت، ان کے فائدے اسی تعوذ کے نتیجہ میں ہیں. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آندھی آئی، طوفان آیا، ہم سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سورتیں پڑھنا شروع کر دی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کی تلاوت شروع فرما دی. بعد میں جماعت کروائی تو بھی یہی دونوں سورتیں پڑھی. آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، کوئی آسمانی آفت آئے، اس وقت یہ دو سورتیں پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ دونوں سورتیں جو ہیں معوذتین. اسی طرح ہر نماز کے بعد معوذتین ہے نا، ہر نماز کے بعد معوذتین ضرور پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دیگر اذکار کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10-10 مرتبہ، یا 33-33 اور 34 جو ترتیبات معروف ہیں، اور آیت الکرسی ہے، اور معوذتین ہے ہر نماز کے بعد بھی. وہاں بھی گویا کہ ہر نماز کے بعد بھی یہ تعوذ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، لیکن معوذتین کی شکل میں. اور سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں اذکار کیا کرتے تھے، سونے کے اذکار، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ آپ یہ عمل کرتے کہ اپنے ہاتھوں میں یہ معوذتین پڑھ کر پھونک مار کر اپنے پورے جسم، سامنے حصے سے لے کر پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے لگے، مرض الموت میں، میں نے یہ معوذتین پڑھے، میں نے پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہے، نہیں پڑھ سکتے، اپنے ہاتھ میں میں نے پھونک نہیں ماری، کیونکہ میرے ہاتھ جو نبی پاک کے جسم پہ لگیں گے، وہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے. کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں پھونک مار کے آپ کے جسم مبارک پر پھیرنے چاہے، لیکن آپ نے پھیرنے نہیں دیے، آپ نے ہاتھ اس وقت پہلے خود پھیرا کرتے تھے، اس وقت ہاتھ نہیں پھیرنے دیے، چونکہ وہ اللہم الرفیق الاعلیٰ کا کھاتا جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. غرض یہ کہ سوتے وقت، تکلیف کے وقت یہ معوذات ہیں. اور معوذات کی ایک جگہ ہمارے لیے ایک بہترین علاج کی شکل میں بھی ہے، بچھو لڑ جائے، بچھو کاٹ کھائے، سانپ کاٹ کھائے، تو ادھر ادھر ہم تو بھاگتے ہیں، یہ جا رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، فارمیسیوں میں، اور دوائیاں خرید، یہ کر وہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران بچھو نے ڈنگ مار دیا. موجم طبرانی کبیر اور مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح معان الاثار طحاوی،
इन किताबों में हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, बिच्छू आया, उसने डंग मार दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहु अल-अक़रब, अल्लाह ताला इस बिच्छू पर लानत करे, ला यादा ओ मुसल्लियन वला गैरा, ये ना नमाजी को माफ़ करता है ना बेनमाज को। और एक रिवायत में है ला यादा ओ नबीयन वला गैरा, अल्लाह बिच्छू पर लानत करे, ये ना नबी को माफ़ करता है ना उम्मती को, नबी को भी डंग मार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज क्या किया, पानी मंगवाया, उसमें नमक मिलाया, नमक घोला, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी को लेकर उस ज़ख़म के मकाम पर या बिच्छू के कांटे की जगह पर मलते रहे, और मुअव्वज़तैन, ये दो मुअव्वज़तैन, और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में है कि सूरतुल इख़लास, और दूसरी किताबों में है सूरत अल काफिरून, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में काफिरून है, दूसरों में अख़लास, ये बाहर सूरत चारों कुल आ गए, चारों कुल उसमें आ गए, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ रहे हैं, वो नमक मिला पानी उसके ऊपर लगा रहे हैं और दम कर रहे हैं, थोड़े ही अरसे में बिच्छू का सारे का सारा जहर जो है वो ख़त्म हो गया। गोया के मुअव्वज़ तअव्वुज़ या सिर्फ़ ये जो पनाह मांगना है वो सिर्फ़ कुरान करीम के शुरू में नहीं बल्कि इन सब मकामात पर ये हैं, सोते वक़्त, उठते वक़्त, और हर नमाज के बाद, और कुरान करीम के जब कभी वसवसा आने लगे, लड़ाई शुरू कर दें आपस में दो आदमी, तो उनको अगर वो आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़े, उनका वो गुस्सा जो है वो, चूँकि शैतान ने गुस्सा दिलाया होता है, शैतान ने गर्म किया होता है, तो वो आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़े, उनकी वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। गोया के इन मुअव्वज़ इसका तअव्वुज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, और इसके ये मुख्तलिफ़ अल्फाज हदीस में मिलते हैं। हमारे यहाँ मशहूर लफ्ज़ हैं आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, जबकि सिर्फ़ आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम गालबन किसी भी हदीस में नहीं आया। हदीसों में जो अल्फाज आते हैं वो थोड़े से जहन में रखें, आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम मिन हमज़े ही व नफ़खे ही व नफ्स, एक सीगा ये है। दूसरा है आउज़ बिल्लाह समी अलीम मिन शैतान रजीम, तीसरा ये कर लें आउज़ बिल्लाह समी अलीम मिन शैतान रजीम मिन हमज़े ही व नफ़खे ही व नफ्स, तीन सीगे हो गए, तीनों आपको हदीस में मिलेंगे, आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम हदीस में नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ अमूमन मरवज यही है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो अल्फाज आते हैं ना, फ़ाइज़ा क़रातुल क़ुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, इसको जब हम नकल करते हैं ना, तो फ़स्तईज़ को आउज़ कर लें, फ़स्तईज़ अमर का सीगा है कि अल्लाह की पनाह मांगो, आप कहते हैं आउज़ो, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, आगे आउज़ो बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, पूरा हो गया ना, गोया के कुरान के अल्फाज में से ये सीगा हमने लिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सीगे इस्तेमाल किए हैं, लिहाजा वो सीगे इस्तेमाल करने चाहिए, आउज़ बिल्लाह समील अलीम मिन शैतान रजीम, आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम मिन हमज़े ही व नफ़खे ही व नफ़्से, आउज़ बिल्लाह समील अलीम मिन शैतान रजीम मिन हमज़े ही व नफ़खे ही व नफ़्से, इन तीनों सीगों को भी जहन में रखना चाहिए, और कभी कभी इन सीगों को पढ़ना चाहिए मुख्तलिफ मौके पर। गर्ज़ ये कि इस्तआज़ा जो है, तअव्वुज़ या इस्तआज़ा, ये है अल्लाह की पनाह मांगना, अल्लाह की पनाह मांगना किससे मांगी है, मिन शैतान रजीम, शैतान मरदूद, शैतान मरदूद के शर से बंदा अल्लाह की पनाह तलब करता है, और ये आउज़ बिल्लाह पढ़ने से आदमी का मुंह जो है, इसके फवाद में से लिखा जाता है कि उस आदमी का मुंह पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है, ज़हरा के शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांग ली, और कलाम पाक की तलावत शुरू हो गई, अल्लाह की पनाह हासिल हो गई, और उसकी कुदरत कामला और शैतान को शिकस्त ना देने में बंदे की आजजी, बंदा ये कह रहा है कि अल्लाह मैं तो शैतान से बच नहीं पाता, तू ही अपनी मदद नाजिल फरमा, अपनी रहमत फरमा, और मुझे इस शैतान से महफूज कर ले। गर्ज़ ये कि इस्तआज़ा
एक इबादत भी है। ये भी ज़हन में रखें कि इस्तआज़ा जैसे इस्तगासा, इस्तआना, इस्तमदाद मैंने ज़िक्र किया ना, ऐसे ही इस्तगासा भी एक इबादत है। इस्तआज़ा अल्लाह से पनाह तलब करना, और गैरुल्लाह से पनाह तलब करना जो है वो जायज़ ही नहीं है। मुशरिकीन में इस्लाम से पहले जाहिलों में ये आदत मरूफ थी कि जब किसी वादी में जाते तो वहाँ वादी में जाकर कहा करते थे कि ऐ इस वादी के मालिक जिन हम तेरी पनाह तलब करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं। सूरतुल जिन आयत नंबर 6, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ गालबन तर्जमे के साथ, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, कुछ लोग इंसानों में से ऐसे हैं जो पनाह तलब करते हैं जिन्नों से। और जिन क्या कर दें, वो कुछ फ़ायदा नहीं देंगे बल्कि उनको उल्टा परेशान ही करेंगे। गोया के इस्तआज़ा भी इबादत हैं, और इस्तआज़ा गैरुल्लाह से करेंगे, वो जिन्नों के सरदार से हो, वो किसी और से हो, तो वो शिरक के खाते में जाएगा। सिर्फ़ अल्लाह से ही इस्तआज़ा करना चाहिए। और इस तअव्वुज़ के, इस्तआज़ा के कई हिस्से हैं। आपके दर्स में तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको याद रहेंगी, कुछ नोट ले लिया करें, फिर ये कुछ आपको कैसेट भी काम देंगे। इस्तआज़ा इबादत है, और इसके जो अज्ज़ा हैं उनमें से एक ये हो गया इस्तआज़ा। दूसरा है अलमुस्तईज़ मिन्हु। इस्तआज़ा किस से कर रहे हैं? शैतान से। अल्लाह की पनाह मांगी जा रही है शैतान के शर से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिन हो गया ना, ये है अल इस्तआज़ा मिन हो शैतान। और अल मुस्तईज़ बिही, किस से हम तलब कर रहे हैं, किस के ज़रिए ये पनाह तलब की जा रही है? बिही आउज़ु बिल्लाहि। तो गोया ये अज्ज़ा हो गए, इबादत है इस्तआज़ा, अल्लाह की पनाह तलब करना। पनाह तलब की किसकी जा रही है? अल्लाह की। और किस से? शैतान के शर से। ये सारे जो हैं इसके अज्ज़ा हैं। और ये कलमा जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका माना तो मारूफ हो गया ना, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के साथ, किस से? शैतान के शर से। अब यहाँ शैतान से और अल्लाह से दोनों बार बार आ रहे हैं, जुमला जो है वो बिल्कुल वाज़े है, पनाह अल्लाह की लेना है शैतान के शर से, यानी शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह चाहिए। लेकिन से कभी शैतान से, कभी अल्लाह से, वो आपस में खलत मलत ना होने पाए। मफहूम ये है कि हम शैतान के शर से बचने के लिए ऐ अल्लाह तेरी पनाह मांग रहे हैं। और शैतान के लफ्ज़ से, लफ्ज़ का जो लुगवी माना है वो कहा गया कि ये या तो है शैताना से, शैताना अरबी का, यानी जो इसका मादा है, तीन लफ्ज़ वो है शातानून, जिसका माना होता है दूरी। और शैतान चूँकि हमसे दूर है, हमें नज़र नहीं आता ना, इस एतबार से ही सिर्फ दूर है, वरना वो हमसे दूर नहीं है, वो तो बहुत करीब है, बल्कि हमारे अंदर है। अल्लाह ताला हमें उसे महफूज रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शैतान यजरी फिल इंसान कमजरी दम, शैतान इंसान में इस तरह गश्त करता है जिस तरह के खून गर्दश करता है। और जो अंदर इतना गर्दश करता है, बाहर भी वो इतना दूर नहीं जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं कि अजान होती है तो शैतान गोज मारता हुआ भागता, यानी उसकी हवा निकलती है, लहू ज़ुरात, हदीस में अल्फाज मौजूद हैं कि वो भागता है, व लहू ज़ुरात, और उसकी हवा गोज मारते भागता है। जैसे अजान ख़त्म होती है वापस आया, इकामत होती है फिर भागता है, जैसे इकामत ख़त्म होती है वापस आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसे देखता हूँ कि बकरी के बच्चे की तरह नमाजियों के दरमियान में घुस जाता है। अब ये दूर तो नहीं गया ना, लेकिन हमें चूँकि नज़र नहीं आता, इस एतबार से वो शैतान है, वो दूर है, और वो फितरत और नेकी से दूर है। फितरतन नेकी से दूर है, हमें नज़र नहीं आता, इस एतबार से दूर है, वरना वो दूर नहीं, वो हमारे बहुत करीब है। या इसका मुश्तक बताया गया शाता, इसका माना है जलने के, और वो चूँकि आग से है, शैतान जो है वो
آگ سے ہے، اس کا شمار تو فرشتوں میں رہا ایک عرصہ، لیکن یہ فرشتہ نہیں تھا، کانا من الجن، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جن، اور جنوں کی مخلوق آگ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنوں کو نار سے پیدا کیا، اور انسان کو تم جانتے ہو کیسے پیدا، خاک سے پیدا کیا. تو یہ دونوں لفظ شاتا ہو تو اس لیے کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آگ ہی میں جانے والا ہے، اور اگر شاتانہ سے ہو تو وہ دور یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس اعتبار سے وہ دور ہوتا ہے. غرض یہ کہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، اور یہ سارے مواقع جو ہیں یہ اعوذ باللہ کے ہی ہیں، اور اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ، اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ قرآن کریم پڑھنے لگیں تو پھر پہلے اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ شروع ہو گیا نا. بسم اللہ کی برکتیں کتنی ہیں یہ بھی کوئی شمار والی بات نہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے مقامات کتنے ہیں یہ بھی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ایک جگہ جیسے صرف قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں، اسی طرح صرف کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں، یا صرف قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں، بسم اللہ پڑھنے کی بھی بہت ساری جگہ ہیں، اور ہر جگہ یہ فائدہ دے گا. بسم اللہ پڑھنے کے مقامات میں سے آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ قرآن کریم پڑھنے لگیں گے تو بسم اللہ. ہم عموماً ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کھولا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آمن الرسول بما انزل الیہ، جب کہ وہاں ہے سورت کا آغاز تو نہیں ہے نا، وہاں سورت درمیان میں ہے، بلکہ آخر میں پہنچی ہوئی سورہ بقرہ، وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل. لیکن اگر کوئی بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہل علم نے کہا کہ تلاوت کرنے والے کو حکم ہے کہ وہ بسم اعوذ باللہ پڑھے، فائدہ قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو. اس اعتبار سے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لی جائے. غرض یہ کہ بسم اللہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے آغاز میں، آپ قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ 114 سورتیں، اور قرآن کریم میں 114 مرتبہ ہی بسم اللہ ہے، لیکن 114 مرتبہ ہے یا نہیں؟ سورت جو جہاں بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں سورہ نمل آیت نمبر 30، سورہ نمل آیت نمبر 30 اندر بسم اللہ ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے. آئے سورتیں بھی 114، اور بسم اللہ کی تعداد بھی قرآن کریم میں 114، جو کمی یہاں ہوئی سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، سورہ نمل کی آیت 30 میں انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اس کے شروع میں یہ الفاظ انہوں نے لکھے تھے، یعنی گویا کہ بسم اللہ سلیمان علیہ السلام نے بھی لکھی، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انہو من سلیمان تو ہوگا نا جیسے ہمارے لکھتے ہیں فرام سو اینڈ سو، اور آگے اللہ کے نام سے جو کہ بہت ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. بسم اللہ میں اللہ کے اسماء حسنہ بھی ہیں. بسم اللہ، اللہ کا جو نام ہے ذاتی وہ کون سا ہے؟ اللہ. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی رحمان، رحیم، عزیز، غفور، غفار، قدیر، قادر، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، 99 اسماء حسنہ تو صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا للہ 99 اسمن مئت الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بڑا فرسٹ کلاس رہا ہمیشہ. ہمارے علاقوں میں، دیہات میں خاص طور پر یہ رواج ہیں، آج بھی کہتے ہیں، آج تک بھی کہتے ہیں 10 کم 100، 90 نہیں، 10 کم 100، 5 کم 100، اور ایک لفظ ہے کوتر 100. یہ پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، پانچویاں 100 تو ہوگا نا، 20 5 مرتبہ ہوا تو 100، گنتی کے انداز ہیں، اور 100 پر 10، 100 پر 5، اور کوتر 100 جو میں کہہ رہا ہوں یہ پنجابی ہے،
कोतर सौ होता है 101, है ना, ये लफज भी बड़ा स्पेशल है, कोतर सौ यानी 101 को कहें कोतर सौ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गिनती बताई अल्लाह के अस्माए हुस्ना की, पहले 99 कहा इन्ना लिल्लाह, ये सही बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, इन्ना लिल्लाह 99 इस्मन, और आगे फरमाया मिअतुन इल्ला वाहिदा, एक कम सौ। अब ये कोतर सौ वालों का एक सौ पर एक ज़्यादा होता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कम सौ, और ये अस्माए हुस्ना जो हैं ये बुखारी शरीफ में 99 आए हैं, और कुरान करीम में इन 99 के अलावा भी अहले इल्म ने तकरीबन 60 अस्माए हुस्ना का जिक्र किया है। और अल्लामा इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह जो अल महल्ला के मुअल्लिफ हैं और बहुत ही बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने इन 60 और इन 99 के अलावा 10 और अस्माए हुस्ना जिक्र किया। अब मजमूई तौर पर कितने बन गए, एक कम 170, एक कम 170 हो गया ना, 169, 169। ये वो अस्माए हुस्ना हैं जो मिलते हैं हमारे यहाँ, वो जो 99 वाला सिलसिला बना दिया गया ना कुरान करीम में, इस तरफ पाकिस्तान जो कुरान जी छपते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान से, ये सफ़ा जो है ये होता है अस्माए अल्लाह के अस्माए हुस्ना का, और अपनी तरफ से जाली तौर पर ना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे 99 नाम हैं, ना कुरान में अल्लाह ने बताया मेरे 99 नाम, अपनी तरफ से जमा तफरीक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम कुरान के आखिरी दो सफ़ों, पहले दो सफ़ों पर अल्लाह के, आखिरी दो सफ़ों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मेरे सामने कुछ अरसा पहले एक पेपर आया जिसमें बाज़ औलिया जो हमारे हैं, बाज़ औलिया के भी नाम जो हैं वो गालिबन चिश्ती हैं या बहाउद्दीन हैं, किसी इस तरह बुज़ुर्ग के भी 99 नाम। हमारे यहाँ आदत है कि अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करना ही करना किसी ना किसी, अल्लाह के 99 क्यों हैं, हमारे पीर के भी 99 हैं, लगाएंगे भी तो या अल्लाह और या मोहम्मद आमने सामने टिका के, है ना, हमारे यहाँ वो भी बड़ा रिवाज है। अल्लाह के मुकाबले में कभी नबी को उतार देते हैं, कभी किसी वली को उतार देते हैं, कभी जिसको चाहते हैं, 99 नाम अब अपने अपने तौर पर अपने अपने जो सिलसिले हैं, कादरिया सोहरवर्दिया चिश्तिया फलानिया फलानिया, अपने अपने बुज़ुर्गों के नाम भी 99 गिन रहे। अल्लाह के भी 99 नाम सिर्फ नहीं बल्कि अल्लाह के बेशुमार नाम हैं, कुरान करीम में अल्लाह के बेशुमार नाम हैं, जिस नाम के साथ भी उसे पुकारो उसके लिए वही, उन नामों में से अल्लाह उसका ज़ाती नाम है, रहमान और रहीम उसके सिफाती नाम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो के बड़ा रहम करने वाला नहायत मेहरबान है। अब रहमान और रहीम दोनों नाम हैं अल्लाह के, लेकिन इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। रहमान है अल्लाह दुनिया में काफर के साथ भी और मुसलमान के साथ, रिज्क दे रहे हैं ना सबको, काफर भी खा रहे हैं मुसलमान भी खा रहे हैं, बल्कि काफर ज़्यादा खा रहे हैं, काफरों के पास कुव्वत ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वो रहमान है मखलूक को दे रहा है। दुनिया में रहमान दुनिया, रहीमुल आखिरा, आखरत में अल्लाह रहीम होगा, वकान बिल मोमिनीना रऊफ, कान बिल मोमिनीना रहीमा, वकाना बिल मोमिनीना रहीमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन सिर्फ मोमिनों के साथ रहम करेगा। अगर वहाँ भी काफरों और मोमिनों सब के साथ रहम करे तो फिर अमल का नतीजा क्या हुआ। तो अहले इल्म ने रहमान और रहीम में जो फ़र्क बताया है वो अगर आप इस कुलिया से समझें तो बहुत आसान हो जाएगा कि किसी लफ्ज़ में जितने हर्फ होते हैं उन हरूफ के हिसाब से उसका मादा शुमार किया जाता है। अब रहमान के हर्फ कितने हैं, रा हा मीम अलिफ नून, पाँच, और रहीम के रा हा या मीम, चार। रहमान के पाँच हर्फ और रहीम के चार हर्फ, रहमत रहमान में ज़्यादा होगी या रहीम में, मादा असल है रहमत, एक तरफ रहमत के लफ्ज़ के रहमान के पाँच हर्फ हैं दूसरी तरफ चार हर्फ हैं, तो रहमत का मादा कहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है, पाँच में रहमान में।
मादा ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहा, हम अपनी आँखों से भी देख रहे हैं कि काफ़र भी खा रहा है, मुस्लिम भी खा रहा है, ज़्यादा हुआ ना। रहमान में रहमत का मादा ज़्यादा है, रहीम में इसकी निस्बत कम है, और ये आखरत में, आखरत में अल्लाह सिर्फ़ अहले ईमान के साथ रहीम होगा, वहाँ उसकी रहमत मखसूस हो जाएगी मुसलमानों के लिए, काफरों के लिए वो वहाँ रहमत नहीं देगा, काफरों पर रहम नहीं करेगा। अगर वहाँ भी काफरों पर रहमत करता है तो फिर अमाल का सिलसिला जो है ये बेकार हो गया कि यहाँ भी ये मज़े करें और वहाँ जाके भी ये मज़े करें। ये है फ़र्क रहमान में और रहीम में। और अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से किसी के साथ किसी ने अपना नाम कभी नहीं रखा, ख़ास तौर पर रहमान के नाम के साथ कभी किसी ने अपना नाम नहीं रखा। एक आदमी मुसैलमा कज़ाब, जो आप जानते हैं ना, झूठा नबी जो गुज़रा है, मुद्दई नबूवत, उस झूठे नबी ने अपना नाम रखा था रहमान। नाम मुसैलमा कज़ाब है, बनी हनीफा कबीला है उसका, उसका सरदार भी था वो, उसने नबी होने का दावा किया था और वो कहा करता था कि मैं रहमान हूँ। पूरी तारीख इंसानी में आपको एक वो रहमान मिलेगा, रहमान यमामा, और एक आजकल पाकिस्तान में नाम सुनने में आ रहा है। तवील तारीख तक कोई नाम नहीं था रहमान, एक वो रहमान, रहमान यमामा यानी झूठा मुद्दई नबूवत, और एक आज पाकिस्तान की सियासत में रहमान नाम आ रहा है। बहरहाल ये नाम इंसानों को नहीं रखना चाहिए, ये अल्लाह का सिफाती नाम है अर्रहमान, वही यहाँ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह जो है ना असल में है बेइस्मिल्लाह, बेइस्मिल्लाह साथ अल्लाह के नाम के, बेइस्मिल्लाह, आगे अर्रहमान अर्रहीम। बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा की आयत है या नहीं? बाज़ अहले इल्म ने कहा कि सूरह फातिहा की आयत है, बाज़ ने कहा नहीं है। और बिस्मिल्लाह कुरान में ज़ाहरा के सूरह नमल में आयत नंबर 30 वो जुज़ उल आया, पूरी आयत भी नहीं बल्कि आयत का जुज़ है। इन्नहु मिन सुलेमान एक किस्सा है, इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरा हिस्सा है, गोया कि आधी आयत कुरान करीम में वहाँ है बिला शक व शुबा बिल इत्तफाक। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह पूरी आयत है, उनके नज़दीक आगे 6 आयत हैं, और बाज़ ने कहा कि नहीं, जो बिस्मिल्लाह है ये हर सूरत के शुरू में तो है लेकिन सूरत का हिस्सा नहीं है, यानी बिस्मिल्लाह अलग करके आगे 7 आयत जो हैं वो सूरह फातिहा की अलग हैं। ये उलमा ने मुख्तलिफ शक्ल, लेकिन मुख्तसर ये कि कुरान करीम के अल्फाज हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहीं और अगर हिस्सा न मानेंगे तो सूरह नमल से तो कहीं नहीं जा सकते ना, सूरह नमल में आयत नंबर 30 में ये कुरान करीम के अल्फाज हैं। लिहाजा जिन लोगों ने कहा कि सूरह फातिहा का हिस्सा है बिस्मिल्लाह, वो जहरी नमाजों में बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ से पढ़ने के कायल हैं, कहते हैं जब सूरह फातिहा का हिस्सा है तो सारी सूरह फातिहा बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, ये भी बुलंद आवाज से पढ़ो। शाफ़ी हजरात का यही मसला है ना, और बाज़ दीगर उलमा का, बाज़ मुहद्दिसीन का भी, और जो कहते हैं कि ये बिस्मिल्लाह जो है सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं बल्कि अलग से हर सूरत के शुरू में जैसे आई है उसी तरह है, तो वो बिस्मिल्लाह को बग़ैर आवाज़ के पढ़ने कायल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों का मसलक यही है, और खुलफा राशिदीन में से चारों खुलफा बिस्मिल्लाह को बग़ैर जहरी आवाज़ के पढ़ने के कायल रहे हैं। और हमारे यहाँ पाकु हिंद में अमूमन जो बग़ैर आवाज़ के ही बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, और उलमाए अहले हदीस में से भी बाज़ लोग अब बग़ैर आवाज़ के पढ़ते हैं और बाज़ सूरह फातिहा के साथ, जैसा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का मसलक है उसी तरह पढ़ा जाता है। बहरहाल बिस्मिल्लाह जो है ये कुरान करीम के कलिमात हैं, कुरान करीम का हिस्सा है, और बिस्मिल्लाह के लिए जो हमारे यहाँ 786 शुरू कर दिया गया है वो बिस्मिल्लाह का बदल नहीं है, बल्कि कई मरतबा ये बात पहले भी आई है कि बिस्मिल्लाह हरे कृष्णा भी हो सकता है, बिस्मिल्लाह के आदाद व शुमार जमा किए जाएं तो वो असल, अब जब निकालेंगे ना अलिफ बा ता करके
तो वो 786 नहीं, वो 787 बनते हैं, जमा तफरीक करके 787, 787। ये है मजमूई तौर पर अगर हरूफ अबजदिया से निकाला भी जाए तो ये गलत हो गया पहले नंबर पर। दूसरा ये कि वो तरीका बनता ही नहीं, और 786 भी अगर मान लें तो हरे कृष्णा को भी आप हा रा या काफ रा शीन नून अलफ जमा कर लीजिए, इनके हरूफ भी 786 निकलते। तो अब फिर मसला तो गड़बड़ हो गया ना, हमारे ये 786 बिस्मिल्लाह की बजाय हरे कृष्णा, तो ये क्या हो रहा है कि हिंदुओं का जिक्र नहीं शुरू हो जाएगा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, और 786 ही रवि शंकर का निकलता है। अब ये आप में से बहुत सारे लोगों को ये नाम ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होंगे कि किन के हैं, हरिशंकर कौन है, हरे कृष्ण कौन है, कृष्ण कृष्णा कौन था, ये सारे हिंदुओं के। तो इस 786 को छोड़े, और इस तरह अगर करेंगे तो पिछले दिनों में यहाँ कह रहा था कि फिर खाता ही ख़त्म हो जाएगा, सूरह फातिहा के भी निकाल लें, अल्लाह अकबर के भी निकाल लें, 250 कहाँ हाथ बांध लिए, अब आगे 8995 कहाँ, और फातिहा भी निकल गई, कुल हुवल्लाह के भी निकाल लें और फिर अल्लाह अकबर। ये तो इस्लाम के दुश्मनों की साजिशों में से एक साजिश थी कि इस तरह का खाता खोलें, लोगों को कुरान से दूर करें, ये 786 के चक्कर में पड़े रहेंगे। बहाना ये बनाया कि कहीं बिस्मिल्लाह की तोहीन ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों को ख़त लिखे और उसके शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी, काफरों को ख़त लिखे शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी, और हम अपने मुसलमान भाई को ख़त लिख रहे हैं शुरू में 786 हरे कृष्णा, बिस्मिल्लाह तो 87 बनेगा ना, अब हरे कृष्णा बन रहा है। और बहुत सारे इस तरह के नाम बनते हैं, और इस तरह निकालना शुरू कर दें तो खाता काफ़ी लंबा हो जाता है। बिस्मिल्लाह की फजीलत, बिस्मिल्लाह की अजमत बहुत ज़्यादा है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सवारी पे बैठे हुए हैं, सवारी ने ठोकर खाई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दूसरे सवार हैं वो कहते हैं ता इस शैतान, शैतान का बुरा हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये ना कहो, जब आदमी ऐसी अपनी ठोकर लगे, पाँव को ठोकर लगे, तो बिस्मिल्लाह कहें, बजाय इसके कि कहें कि शैतान का बुरा हो मुझे ठोकर लग गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्माते हैं कि जब आदमी ये कहता है ताइस शैतान, तो वो पहाड़ जितना हो जाता है, कमरे जितना हो जाता है, वो कहता है कि मेरी ताकत से मैंने इसको गिराया है। जब आदमी कहेगा ना ताइस शैतान, कि मेरे जानवर को ठोकर लगी या मेरे पाँव को ठोकर लगी, और मैं कहूँ ताइस शैतान, तो फूल जाता है, कहता है कि देखो गिराया ना मैं इसको मुँह के बल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्माते हैं कि ठोकर लगे तो कहो बिस्मिल्लाह, तुम्हारे बिस्मिल्लाह कहने से वो सुकड़ कर जलील होकर मक्खी जितना रह जाता है। शैतान को जलील करना हमारा फ़र्ज है या नहीं? तो फिर ताइस शैतान क्यों कहेंगे, या बुरा हो शैतान का, जैसे हमारे अपनी ज़बान में कहते हैं ठोकर लगी तो कहा शैतान का, नहीं, बिस्मिल्लाह कहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के रूह से हमें फ़ायदा होगा कि बिस्मिल्लाह कहने से शैतान जो है वो जलील हो जाएगा, ख़ार हो जाएगा, और वो मक्खी के बराबर रह जाएगा। सुनन अबू दाऊद में और मुसनद इमाम अहमद में ये हदीस जो है ये मौजूद है, जिसमें ये मक्खी का जिक्र आया। और बिस्मिल्लाह पढ़ने की बहुत सारी जगह हैं, एक तो ये है कि कुरान करीम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, नंबर दो बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह, तीन, नंबर चार खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्ने अबू सलमा, जो आपके लय पालक हैं, लय पालक नहीं कहना चाहिए, आपकी गोद में हज़रत उम्मे सलमा के बेटे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं मैं छोटा था, वकाना यदि ततीशु फिस्सहन, मैं छोटा था, मेरा हाथ जो है वो सहन में घूम रहा था, जहाँ बोटी देखी वहाँ हाथ पहुँच गया, या कोई भी खाने की चीज़ों में से जहाँ पसंद आया हाथ वहाँ पहुँचा, ततीशु यदि, यानी मेरा हाथ घूम रहा था बर्तन के अंदर। आपने फरमाया या ग़ुलाम, प्यार से कहा बेटा सब मिल्ला, बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू करो,
वकुल बेयमीने का अपने दाएं हाथ से खाना खाओ, वकुल मिम्मा यलीक और अपने आगे से खाना खाओ। ये नहीं है कि जहाँ अच्छी चीज़ नज़र आई वहाँ हाथ पहुँचा लिया, अपने आगे से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ और दाएं हाथ से खाओ। हम खाते भी दोनों हाथ से चाहते हैं, यहाँ छुरी है यहाँ कांटा है, कभी इससे काटते कभी इससे काटते, कभी ऐसे उठा रहे कभी, दोनों हाथों से खाते देखा गया या नहीं? और बहुत आम देखा जाता है कि एक हाथ में पेप्सी दूसरे में सैंडविच। अब जिसको भी जिसमें आप डाल लें, या खाएगा बाएं से या पिएगा बाएं से, और ऐसे मनाजर आपको मुझे चलते फिरते देखते नजर आते रहते हैं कि एक हाथ में पेप्सी पकड़ी हुई है या कोई असीर है जूस है, एक हाथ में सैंडविच, एक से खाता है एक से पीता है, कभी दाएं से खाता है कभी बाएं से खाता है, कभी दाएं से पीता है कभी बाएं से पीता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइन शैताना याकुलु बिशिमालिही, शैतान बाएं हाथ से खाता है, वयशरबु बिशिमालिही और बाएं हाथ से पीता है। जो आदमी बाएं से खाएगा या पिएगा वो कौन होगा? या कम अज कम शैतानी हरकत, शैतानी फेल तो उसमें आ गया ना, वो तो सारा शैतान नहीं हो गया लेकिन उसमें शैतानी करतूत आ गया। गर्ज ये कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह है और ज़िबाह करने से पहले बिस्मिल्लाह है या नहीं? बिस्मिल्लाह है अल्लाहु अकबर, ज़िबाह करने से पहले बिस्मिल्लाह है अल्लाहु अकबर। और घर में दाखिल होते वक्त, घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह है तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह है वलजना व बिस्मिल्लाह है खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह, घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तन ढांप दें और ऊपर ढकना दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना शैतान ढकना उठा सकेगा ना इस बर्तन में कोई बीमारी दाखिल हो सकेगी। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान से बीमारियाँ नाजल होती हैं, यानी ऊपर से बीमारियाँ नाजल होती हैं। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर ढकना दे दिया, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बैक्टीरिया दाखिल हो गया है। हम आज के दौर में मशहूर है कि नंगा सालन पड़ा था इसमें बैक्टीरिया दाखिल हो गया। आज आपके डॉक्टर भी ये बताएंगे कि आपने अगर बर्तन को अच्छी तरह ढक दिया, अब सलाजे में रख दें, बैक्टीरिया दाखिल नहीं होगा। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर तो 100% कोई बैक्टीरिया दाखिल नहीं होगा, क्योंकि बर्तन को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढकने से उसमें कोई बीमारी दाखिल नहीं होती। और दरवाज़ा बंद करें घर का और बिस्मिल्लाह पढ़ दें साथ ही, घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। कमरे का दरवाज़ा पढ़ें बंद करें बिस्मिल्लाह पढ़ दें, शैतान का दाखिला कमरे में बंद। हमारे घरों में शैतानों का आना जाना बहुत ज़ोर से, क्योंकि हमें बिस्मिल्लाह याद ही नहीं रहती, ना दाखिल होते ना निकलते, ना दरवाज़ा बंद करते ना ढक्कन देते, उधर फिल्म लगी हुई है इधर खाना खा रहे हैं, ढक्कन उठा के लिए डाल दिया। अब शैतान और बीमारियां यहाँ से कैसे जाएंगी? हमारी सूरत हाल ही कुछ ऐसी बन चुकी है कि हमें बिस्मिल्लाह याद ही नहीं है किसी काम में भी, जबकि इन सब जगहों पर सोते वक्त बिस्मिल्लाह है या नहीं? बिस्मिल्लाह है अमूत व आहिया, अल्लाह बिस्म का अमूत व आहिया, या बिस्मिल्लाह है अमूत व आहिया, बिस्मिल्लाह है वजात जम्बी, जगह जगह पर बिस्मिल्लाह मौजूद है। और सवार होते वक्त गाड़ी पर सवार हों तो बिस्मिल्लाह मजरहा व मुरसाहा, इन रब्बी लगफुर रहीम। इसी तरह सुबह के ज़िक्र में शाम के ज़िक्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बिस्मिल्लाह, आगे थोड़े से अल्फाज और हैं, बिस्मिल्लाह है बिस्मिल्लाह लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम, अगर किसी ने 3 मरतबा सुबह कह लिया शाम तक उसे कोई सांप बिच्छू जहर सहर कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। शाम को कह लिया दिन चढ़ने तक उस पर कोई जादू टूना ये वो किसी चीज़ का जहर असर नहीं करेगा। और इसी पर बस नहीं, बिस्मिल्लाह मियां बीवी जब सोहबत करें आपस में मिलें तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा जन्नबन शैतान व जन्नब शैताना मा रज़क़तना, वहाँ भी बिस्मिल्लाह। अब अगर किसी ने ये दुआ मांग कर सोहबत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दिन की सोहबत के नतीजा में हमल ठहरा दिया, बच्चा पैदा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ा हो और ये दुआ मांगी हो,
अब ज़ाहिर है कि जैसे हमारे बर्तन पर ढक्कन रखते हुए हमें कुछ याद नहीं रहता, हमें कहीं भी कुछ याद नहीं रहता। अल्लाह ताला हमें बिस्मिल्लाह की बरकतें अता फरमाए, जगह जगह पर बिस्मिल्लाह जो है वो मौजूद है और इन सब जगहों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और ये इंतहाई बरकत वाला कलमा है, छोटा सा कलमा है बिस्मिल्लाह। और हर जगह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सारा ये भी ज़रूरी नहीं है, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहने में कोई जुर्म नहीं, लेकिन सम्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहो और इसको सम्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी। अगर खाना खाने के आगाज़ में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो जहाँ याद आ जाए फौरन कहें बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरा, ऐ अल्लाह शुरू में तेरा नाम आखिर में तेरा नाम, जहाँ भी मुझे याद आया तेरा ही नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को तअव्वुज़ और बिस्मिल्लाह, तअव्वुज़ और तस्मिया, और तअव्वुज़ तस्मिया के तरह ही ये जो मुख्तसर नाम है, तअव्वुज़ है नाम आउज़ बिल्लाह का और बसमला या तस्मिया नाम है बिस्मिल्लाह का। इसी तरह कुछ थोड़े से नाम और भी हैं, एक है हौकला, हौकला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कहते हैं हौकला, और एक है आला, अजान में हया अल सला और हया अल फला को कहा जाता है आला, और एक है इबादला। इबादला अरबा मशहूर हैं, चार अब्दुल्ला, इबादला अरबा, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, ये चार अब्दुल्ला बड़े मशहूर हैं। इनको जब इबादला अरबा कहें तो माना ये है कि ये चार ही मुराद हैं, जिस तरह इबादला है अला है, हौकला है, इसी तरह ही ये बसमला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमला, और इसी तरह है तअव्वुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, इख्तसार है इन कलिमात का। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को कुरान करीम पढ़ने सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ सवालात हैं जिनमें से एक ये है कि कुरान करीम पढ़ने के लिए क्या वज़ू करना फ़र्ज़ है। ये काफ़ी मरतबा ये बात आई है और काफ़ी मरतबा हमने इसको तफसील से ज़िक्र किया है, कुरान करीम का वज़ू करके पढ़ना अफजल है, कुरान करीम का वज़ू करके पढ़ना और पकड़ना अफजल है, लेकिन किसी ज़रूरत के तहत अगर बिला वज़ू पढ़ लें, बिला वज़ू पकड़ लें तो इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं है। और वहाँ जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में आयत लिखी रहती है ना इस चौखटे में, यहाँ तो अल कुरान करीम लिखा है ना, हमारे पाकिस्तानी कुरान में इंडियन कुरान में लिखा होता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून इस जगह, और उससे मुराद ये नहीं है, उससे मुराद हमारा वज़ू नहीं है और उससे मुराद हम नहीं हैं, उससे मुराद फरिश्ते हैं, जो लोहे महफूज में कुरान करीम के बारे में कहा गया कि इसको स्वाए पाक बाज़ों के कोई नहीं छूता। पाक बाज ही छूना चाहिए, बावजू ही होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आता है बिला वज़ू पढ़ना पड़े तो कुरान पढ़ना चाहिए, वज़ू के चक्कर में कुरान को नहीं छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ आज कुरान करीम को पढ़ने का रिवाज बहुत कम होता जा रहा है और उसकी बुनियाद में सिर्फ यही मसला है। बहुत सारे उलमा ने बड़ी सख्ती कर दी कि बगैर वज़ू के हाथ नहीं लगा सकते, बगैर वज़ू के पढ़ नहीं सकते, नतीजा ये कि वज़ू हर वक्त हमारा होता नहीं, हमारा तो वज़ू हर वक्त टूटा ही रहता है, लिहाजा हमें कुरान करीम को पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है। इस मसले में थोड़ी सी नरमी पैदा करें, ये शिद्दत छोड़ें, कलामुल्लाह है अलर्रा सिवल ऐन, इसको जितना पाक होकर वुज़ू करके गुसल करके खुशबू लगा के अच्छी जगह बैठकर पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन कोई वक्त ऐसा है कि आपका वुज़ू नहीं, पढ़ने को जी चाहता है पढ़िए। आपको रेफरेंस के लिए एक आदमी आया, अबुल हसन भाई ने कहा जी कहाँ है कुरान में से निकाल के दिखाओ और मेरा वुज़ू नहीं है, आप शायद जाना चाहते थे, मैंने इसलिए नाम ले लिया आपका, कुरान से कहता निकाल के दिखाओ और आपका वुज़ू नहीं, क्या करेंगे। मसला गर्मा गर्मी चल रही है, आयत बड़ी ज़रूरी है, रेफरेंस देना चाहिए था, कहता है अच्छा ठीक है ठहरो मैं ज़रा वज़ू करके आता हूँ, वो कहते मैं तेरे वज़ू करने तक मैं बैठा रहूँगा, वो उठ के निकल गया, मसला एक कितना अहम मसला था वो रह गया। ऐसे मौका पर कुरान करीम निकालिए, उसको रेफरेंस दीजिए, हो सकता है वो काफ़र है मुसलमान हो जाए, हो सकता है वो मुशरक है तौहीद वाला हो जाए,
हो सकता है बिदती है, बिदत निकल जाए। आपकी एक सख्ती ने एक अहम मौका जो है वो ज़ाया कर दिया। लिहाजा कुरान करीम को बावजू अच्छी तरह पाक साफ होकर ही पढ़ना चाहिए, यही अफजल है। लेकिन किसी मौका पे बगैर वजू के पढ़ना हो, हत्ता कि बाज़ अहले इल्म में कहा कि अगर औरत हाफ़िज़े कुरान है, हैज़ के अय्याम में वो कुरान करीम पढ़ सकती है, डायरेक्ट ना पकड़े, किसी हायल से ग्लव है दस्ताना है वो इस्तेमाल करे पढ़े। औरत टीचर है, अब वो 10 दिन के लिए हर महीने छोड़ के बैठा करेगी घर में पढ़ाए। औरत लड़की है, स्टूडेंट है, बालग है, शादीशुदा भी हो सकता है, बाल बच्चे वाली भी हो सकती है, स्टूडेंट है, वो भी पढ़े, उसको क्लास में पढ़ाया जाता है पढ़े। और हाफिज़े कुरान लड़की है या औरत है, वो 8 दिन 10 दिन 40 दिन नफाज के बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएगी, उसको कुरान भूल जाएगा, वो भी पढ़े। और ऐसे ही मर्दों को अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल है बावज़ू होकर पढ़ना। औलाद के बालिग होने के बाद अगर वो कोई गलत काम करे, कोई गुनाह करता है, तो क्या उसका अजाब उसके माँ बाप को? ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी के गुनाह का ज़िम्मेदार नहीं सिवाय इसके कि अगर किसी ने किसी को गुनाह पर लगाया। अद्दालु अलल खैर कफ़ाइले ही मन सन्ना सुन्नतन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं किसी ने अच्छे काम की आदत डाली, जो देख देख कर वो अच्छा काम करेगा उस आदत डालने वाले को सब का सवाब भी मिलेगा। वो मन सन्ना सुन्नतन सैया, जिसने कोई बुरा काम शुरू किया, जितने लोग उसको देख कर करेंगे सबको। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं क़यामत तक जितने कत्ल होंगे हर कत्ल का गुनाह काबील को भी जाएगा, क्योंकि पहला कत्ल उसने किया था। तो अगर कोई इस तरह की शक्ल है तो फाबे, वरना ये नहीं कि गुनाह करे बेटा और जाए बाप के साथ, और गुनाह करे बेटी और जाए माँ के साथ या बाप के साथ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर किसी को अपना बोझ खुद ही उठाना है। आपने कहा है कि अगर किसी की औलाद मरने के बाद दुआ करता है तो उसका दर्जा बुलंद हो जाता है, तो क्या ये उस वक़्त है जब वो खुद नेक हो? अगर एक आदमी जहन्नम में पड़ा है, पीछे औलाद नेक है, वो कह रही है या अल्लाह मेरे बाबा को माफ़ कर दे, तो क्या ख्याल है कि वो जन्नत में दर्जा बढ़ेगा? वहाँ तख़फीफ़ होती रहेगी, जन्नत में उसका दर्जा नहीं बढ़ेगा। जब तक उसकी सज़ा है वो तो भुगतना पड़ेगी ना। ये उसके लिए है कि आदमी नेक था, जन्नत में है, पीछे से औलाद दुआ कर रही है, अल्लाह जन्नत में उसके दर्जात बढ़ा रहा है। आदमी किसी गुनाह के नतीजा में जहन्नम में है, औलाद दुआ कर रही है, इंशाल्लाह उसकी सज़ा में कमी होती रहेगी। दुआ का फ़ायदा पहुंचता है मरने के बाद भी आदमी को। वो हदीस बड़ी मशहूर है, इज़ा माता इब्न आदम इन क़ता अनहु अमलुहु इल्ला मिन सलास, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब में हदीस है। जब बनी आदम मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3, वलदुन साले, उसमें ये भी है नेक आदमी नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं मांगती है, मगफरत की दुआएं और दूसरी दुआएं, और सदका जारिया और इल्मुन युन्तफ़ाउ बिही, कोई इल्म छोड़ जाए, किताब लिख जाए, किसी को पढ़ा जाए या किसी को कुरान करीम हिफ़्ज़ करा जाए, ये जो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें उसका भी मरने के बाद फ़ायदा पहुँचता रहता है। क्या मसलक की बुनियाद पर जन्नत में तो बहुत सारे दर्जे, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बता देते हैं और आप हमें बता देते हैं, तो इसका माना ये कि जन्नत मौजूद है। मरने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कब्र में कब्र या जन्नत के बागीचों में से बागीचा या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा, यह हदीस तो मारूफ सुनते रहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जन्नत है। मरने वाले का जन्नत के साथ मरने के बाद ताल्लुक बन जाता है, और अल्लाह ने अगर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, औलाद दुआएं मांग रही है, अल्लाह उसके दर्जात जो है वो बुलंद करेगा। मसलक की बुनियाद पर और जमातों की बुनियाद पर मस्जिदें अलग कर लेना और एक दूसरे को बुरा भला कहना, जैसा कि वहाबी बिदती मुशरक वगैरह, कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत फरमाइए। ये हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये सिलसिला है, यहाँ आप देख रहे हैं सऊदी अरब और पूरे खलीज, जहाँ भी कहीं जाएँगे कहीं ये नहीं लिखा होगा कि ये मस्जिद हनफिया है,
मस्जिद इमाम अबू हनीफा ज़रूर लिखा होगा, कायदा जविया में मस्जिद है अरबेस में, मस्जिदुल इमाम अबू हनीफा, मस्जिदुल इमाम शाफी ये तुखबा में है, मस्जिदुल इमाम शाफी, जबकि यहाँ शाफी लोग नहीं हैं, हनफी लोग भी ना होने के बराबर हैं हमारे लोगों के अलावा, अरबों में यहाँ सऊदियों में हनफी नहीं है, शाफी नहीं है, यहाँ हम्बली है और कहीं मस्जिदुल इमाम अहमद बिन हम्बल है। हमारे यहाँ मस्जिद हनफी, यानी ये हमारी मस्जिद है, इसमें वहाबी नहीं आना चाहिए। दूसरे ने मस्जिद का नाम लिख दिया मस्जिद जमात अहले, मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात, यानी ये बरेलवियों की मस्जिद है, इसमें देवबंदी भी दाखिल है। ये तरीका कार जो है ये मस्जिदों बनाने के लिए नहीं है, ये तरीका तो इफ्तराक और इंतशार है उम्मत में। मस्जिद बनाइए अल्लाह के लिए, नमाज़ें पढ़िए अल्लाह के लिए, जो भी आता है नमाज पढ़े, जो भी है उसको मस्जिद में दाखिल होने दीजिए। अपनी अपनी इजारादारी, अपनी अपनी ज़ाती किस्म की मस्जिदें, मस्जिद में कुछ बोर्ड स्पेशल लिख के लगाए हुए होते हैं, और वहाबी बेचारे तो बड़े ही मुश्किल में है वहाँ। इनको तो मस्जिद में दाखिल होने देने से रोका जाया करता था, मस्जिद में दाखिल ही नहीं होने देते, कहते जी मस्जिद पलीद हो जाती है, और मस्जिदों को बाकायदा धोया जाया करता था। इतना तासब था, इतनी तंग नजरी थी कि अगर पता चलता ये वहाबी है मस्जिद में दाखिल हो गया, उसे मस्जिद से निकाल कर मस्जिद को धोया करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कुफर टूट चुका है, ये जहर ख़त्म हो गया है, अब कुछ नरमी आ गई है, वहाबी सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में चले जाते हैं। क्या किसी शख्स का जमात में दाखिल होना ज़रूरी है या कि जमात से अलग रहे, कुरान और सुन्नत पर अमल करता रहे? अब पता नहीं आप किस जमात का नाम ले रहे हैं जिसमें जाना, जो कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा वो जमात में है। अब उसकी जमात कौन सी है उसका नाम आपको मालूम है या नहीं? ये कुरान और सुन्नत लिखा हुआ है कि वो कुरान और सुन्नत पर अमल करता रहे। यकीन के साथ आज आप इरादा कर लीजिए कि मैं कुरान और सुन्नत पर अमल करूँगा, आपको जमात का नाम लोग दे देंगे इंशाल्लाह, और वो नाम होगा वहाबी, और कोई नाम नहीं देगा। ये शर्त है कि आपका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अगर वही बात हो कि मेरा पीर ये कहता है और उसका मुरीद वो कहता है और उसकी लाइन वो है, वो आप किसको मिलने वाले हैं, जो हमारे यहाँ सवाल होता है मोहम्मद जी आप किसको मिलने वाले हैं, तो वो आप किसको मिलने वाले से मुराद ये होता है कि आप सोरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, कादरी हैं, चिश्ती हैं, या आप क्या हैं। तो सिलसिले जो हैं, अगर ये सिलसिला होगा तो ज़ाहिर है कि फिर उसका नतीजा भी वही रहेगा। क्या काफ़र की वफ़ात पर अफसोस कर सकते हैं? काफ़र की वफ़ात पर उसके लिए जाके दुआए मगफरत करना या कुरान खानी करना, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में कुरान खानी की गई काफ़रों की वफ़ात पर, उलमा के ग्रोह ने, बड़ी कलगी वालों ने जाके कुरान खानियाँ की, ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। वो सियासी रंग तो हो सकता है, दीनी नहीं है। अलबत्ता ये कि आदमी काफ़र है, मर गया, और आपने आदमी उसका कोई अजीज़ देखा तो आप उसको दलेरी दे सकते हैं, कोई बात नहीं भाई ये सबको मरना है, और उसको आप हिम्मत दिलाएं, उसको आप कुरान अगर इस्लाम की दावत दे सकते हैं दावत दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि कोई जनाजा आता तो आप जहां बैठे होते वहां उठ के खड़े हो जाते। आप मतलब बैठे हुए हैं कहीं जगह, पास से जनाजा गुजरा, आप उठ के खड़े हो गए, जब तक जनाजा नज़रों से गायब नहीं हो गया आप खड़े रहे। एक जनाजा आया, आप उठ के खड़े हो गए। लोगों ने, सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह ये काफ़र का जनाजा है, फरमाया इंसान था या नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की इतनी कदर करने वाले, ये बदबخت ظالم आज टेररिस्ट कह रहे हैं, आपने काफ़र का जनाजा देखा आप खड़े हो गए, कहाँ के इंसान तो था ना। तो काफ़र के मुसलमान पर हकूक जो हैं उनमें से एक हक ये है कि उसका जनाजा आए तो उसका भी उसी तरह एहतराम करें, उसके लिए खड़े हो जाएं जैसे कि मुसलमान के लिए खड़े। अब कहेंगे या अल्लाह इसकी मगफरत फरमा, ये जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है। वो यहाँ तफसीर में बात गुजर गई ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी, कि मगफरत की दुआ काफ़र के लिए नहीं कर सकते। कुरान खानी तो ना मुसलमान के लिए ना काफ़र के लिए, वहाँ तो खैर की गई काफ़रों के लिए भी, तो ये कुरान खानियाँ मगफरत की दुआएँ ये काफ़र के लिए नहीं होती हैं। कुछ लोगों ने अफसोस किया तो उनको फतवा दिया गया कि तुम अफसोस करने गए थे काफ़रों का, अब तुम्हारा निकाह टूट चुका है।
हमारे यहाँ ये भी एक अच्छा हथियार है, जो काम हमारी मर्जी का नहीं होता वो कर ले कोई, तो कहते हैं कि तेरा निकाह टूट गया। पाकिस्तान में शेख अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सुबैल हाफिज़हुल्लाह इमाम हरम मक्की, जिनको इमाम काबा कहा गया, सबसे पहले इमाम काबा के नाम से वही पहचाने गए, पाकिस्तान में गए, और शायद बाहर की दुनिया में पहला जो दौरा इस किस्म का था वो भी उन्हीं का था। उसके बाद अब शेख सुदेश जाते हैं, शेख शुरैम जाते हैं, दूसरे मशाइख पाकिस्तान में गए, जेहलम में, लाहौर में, पिंडी में, कराची में बड़ी बड़ी इज्तिमात को जमात करवाई, यानी लाखों लोग जमा होते रहे और ये जमात कराते थे। लोग बड़ा शरफ समझते, और है शरफ कि इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ ली है। वहाँ भी यही फतवा आ गया, कुछ लोगों ने कहा कि जिसने इस वहाबी के पीछे नमाज पढ़ी है उसका निकाह टूट गया। अब नमाज पढ़ के तो मर्द आया था, बीबी बेचारी का क्या कसूर है, उसका घर बैठे निकाह टूट गया, है ना, अजीब सी बात है। इस तरह का फतवा हमारे यहाँ नशर होता रहता है, और उसी तरह का ये भी फतवा है कि आपने कभी आज तक सुना किसी मौलवी ने कहा हो कि जिसने इंदिरा गांधी की कुरान खानी की उसका निकाह टूट गया, कभी सुना है? कोई नहीं। ये पैदल फतवा पता नहीं कहाँ से आता है, जज्बाती किस्म के लोग हैं। वो कितना बड़ा वाक्या है इंटरनेशनल सतह पर, ये मारूफ वाक्या कि एक वक्त मुल्क की हाकम ही, चलो ठीक है हाकम थी लेकिन काफर थी, मुसलमान तो नहीं थी ना, और उसके लिए दुआ मगफरत कुरान खानी और ये वो किया गया। चाहिए तो ये था कि वहाँ कहा जाता कि उन मौलवियों के निकाह टूट गए हैं, लेकिन किसी ने फतवा नहीं दिया, क्योंकि वो काम करने वाले मौलवी खुद थे ना। अब ये अवाम होते हैं, मौलवी फतवा दाग देते हैं कि इनका निकाह टूट गया। ऐसे कामों से निकाह नहीं टूटता, निकाह टूटने के, वजू टूटने के कुछ ख़ास असबाब हैं, उनके अलावा ये नहीं। कई कहते हैं जी एक आदमी यहाँ से गया, 10-12 साल हो गए, ना ख़त ना किताब ना घर वालों को खर्चा ना रबता, निकाह टूट गया। ये निकाह ऐसे नहीं टूटता जब तक वो कहेगा नहीं, या औरत तलब ना करे और उसकी तलब पे लबैक ना कहे, या काजी तनसीख निकाह की डिग्री ना दे दे, उस वक़्त तक निकाह नहीं टूटता। तो ये तरीका जो है निकाह टूटने का ये नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक से नवाजे, कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।